कार्टून्स के ये एपिसोड जो हमें नहीं दिखाए गए पोकेमोन के बस इस एक एपिसोड की वजह से कैसे 700 बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। भाई वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 7 ऑगी एंड द कॉकरोचेस के इस एपिसोड को मोरक्को में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा क्या था, हिप हिप हिप्नोसिस नाम के ये एपिसोड में तीनों में से सिर्फ एक कॉकरोच को दिखाया गया है जो की है लंबू। इस एपिसोड में लंबू एक किताब से हिप्नोसिस करना सीख जाता है जिसे फिर वो ऑगी पर इस्तेमाल करता है और वो ऑगी से बहुत सारे उल्टे काम करवाता है जिसे पूरे शहर के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऑगी को भी वो किताब मिल जाती है और वो भी हिप्नोसिस सीखकर सारे लोगों को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो एक मक्खी को मारने के लिए ताली बजाता है सारे लोगों पर वो असर खत्म हो जाता है और सब लोग मिलकर ऑगी की पिटाई करने लगते हैं। नंबर 6 पोकेमोन के इस बैंड एपिसोड में ऐश और उसके साथियों को टीम रॉकेट चैलेंज करती है कि कौन सबसे ज्यादा पोकेमोन पकड़ता है। हालांकि इस एपिसोड को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसमें बहुत बार ऐश पर बंदूक तानी गई है और गोली भी चलाई गई थी। इतना ही नहीं, टीम रॉकेट की बिल्ली पर कुछ ऐसे लगाया गया है जो हजारों लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। ये दिखने में एपिसोड थोड़ा खतरनाक लग रहा था, इसलिए शायद हो सकता है इसे बैन करना पड़ा। भाई वैसे वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो भाई, आगे भी ऐसा ही मजा आते रहेगा। नंबर 5 स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स के इस एपिसोड को तो बैन होना ही था क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखा दी थी जो बच्चों को बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। इस एपिसोड में स्पॉन्जबॉब पैट्रिक और मिस्टर क्रैब चोरी से किसी के घर में घुस जाते हैं और वहाँ रखे ये कपड़ों को स्मेल करने लगते हैं, लेकिन ये करते करते वो पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो तब होता है कि वो अनजाने में मिस्टर क्रैब के मॉम के घर में घुस गए थे। नंबर 4 पोकेमोन के इलेक्ट्रिक सोल्जर नाम के इस एपिसोड में ऐसी चमकदार चीजें दिखाई जाती है जिससे बच्चों की आंखों में दिक्कत होने लगी थी और इसकी वजह से 700 बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। यही रीजन है जिसकी वजह से अब फ्लैशी इमेज की वार्निंग पहले ही दे दी जाती है। पोकेमोन के ब्यूटी एंड द बीस्ट को भी बैन कर दिया गया था जिसमें टीम रॉकेट का जेम्स कुछ ऐसे ही रंगीन कपड़े और चीजें पहनता है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अब बीच की बात हो रही है तो आप समझ सकते हो क्या पहना होगा। नंबर 3 ये शो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे लेकिन इसके बैन होने का रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो टेलीटूबीज नाम का ये कार्टून पूरा ही मिस्ट्री से भरा हुआ था, इसके बाद भी ये कार्टून बच्चों को बहुत पसंद था, लेकिन इसका एक इतना डरावना एपिसोड था जिसे टीवी से बैन कर दिया गया। इस एपिसोड का नाम था सी सॉ, जिसके बाद इस कार्टून की दुनिया बदलने वाली थी। इस एपिसोड को जब कुछ बच्चों को दिखाया गया तो इसके कुछ डरावने एनिमेशन की वजह से बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। नंबर 2 शिनचान अब तक का सबसे सैवेज और सेम टाइम पर सबसे इनोसेंट कैरेक्टर माना जाता है, लेकिन उसकी ये मूवी लेजेंड कॉल डांस एमिगो को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था जिसका रीजन जानकर आप शॉक हो जाओगे। शिनचान की इस मूवी में बहुत ज्यादा डरावने सीन थे। इस मूवी में कुछ ऐसे भी सीन थे जिसमें शिनचान और हैरी बिना कपड़ों के अंग प्रदर्शन भी करते रहते हैं और ये मूवी में इस सीन को निकाला नहीं गया क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था, लेकिन फिर भी ये बच्चों पर बहुत गलत असर डालती है इसलिए इस मूवी को इंडिया में कम्प्लीटली बैन करना बेहतर समझा गया। नंबर 1 1998 में आया डेक्स्टर लेबोरेटरी, ये शो एक्चुअली में बच्चों के लिए ही था। असल में डेक्स अपनी लैब में एक मशीन बना रहा होता है और उसकी दीदी आकर उससे पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो, तो वो उसे समझाता है कि वो इस मशीन की हेल्प से किसी के भी अंदर से रूडनेस को निकाल सकता है। डेक्स बताता है कि ये उसकी दीदी पर यूज करेगा उसकी सारी रूडनेस को निकालने के लिए। ये सुनकर दीदी को बहुत गुस्सा आता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और गलती से मशीन चल जाती है और मशीन चलने के बाद ये दोनों एक दूसरे को गाली देना शुरू करते हैं, मतलब इस मशीन का असर पूरा उल्टा ही पड़ गया। भाई ये तो आपने जान लिया, पर कैसे एक सीक्रेट चीज से टीचर आपके दोस्तों को आपके ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। टीचर्स आपकी क्लास में ऐसी क्या चीज को रखते हैं जिससे उनको आपके हर एक खबर का पता होता था। भाई ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा, तो इसे अभी दबाओ और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।